दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव एक बार फिर हाथ जोड़कर किराया माफ अभियान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं गुजर भी थड़ी अब मौजूद हूँ, मेरे साथ है एडवोकेट रोहित गौतम जी, राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट है और इन्होंने हमारी मुहिम से प्रभावित होकर एक पहल की है और बहुत स्वागत योग्य है। इस दुनिया में लाखों रुपए का लालच हर किसी के आ जाता है और वो माफ नहीं करता, बल्कि ये सोचता है कि मैं और कैसे पैसे कमाऊं। इनकी दो पीजिया है, हविस पीजी नाम से इनकी दो पीजिया है, एक गुजरी थड़ी है और एक महारानी फार्म है और उसमें दोनों पीजियों में 35-35 लड़के रहते हैं और अभी तक सबका सामान यही है। इन्होंने मार्च अप्रैल मई 3 महीने का किराया माफ किया है, करीब जैसे देखे जाए तो करीब 7 लाख के करीब इन्होंने बेरोजगारों का किराया माफ किया है, एक बड़ी मिसाल पेश किया है। सर्वप्रथम मैं रोहित गौतम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बेरोजगारों की तरफ से गुलाब का फूल देकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि लगातार हमारी कड़ी में अलग अलग लोग जुड़ते जा रहे हैं जो एक समाज में एक पहचान एक मिसाल पेश कर रहे हैं। अब ऐसे भी व्यक्ति हैं जो संकट में बेरोजगारों के साथ नजर आ रहे हैं, अभियान बहुत चलते हैं क्योंकि मकान मालिक अपनी मर्जी से किराया माफ कर सकता है, जबरदस्ती से कभी भी किराया माफ नहीं होगा। हमने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी सरकार से गुहार की बेरोजगारों को किराया माफ किया जाए, लेकिन जैसे ही महेश नगर में सूर्य नगर एक कॉलोनी में एक मामला सामने आया कि मकान मालिक और बेरोजगार आमने सामने हो गए और मकान मालिक ने बेरोजगारों को बिठा लिया, उसके बाद हमने निर्णय लिया कि जब तक सरकार बेरोजगारों का किराया माफ करने का निर्देश देगी तब तक तो बेरोजगारों के बीच में और मकान मालिकों के बीच में द्वेषता बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे भी बेरोजगारों को और मकान मालिकों को बीच में सामंजस्य रहना चाहिए, क्योंकि आगे भी वो साथ रहेंगे, कोचिंग भी होगी, तैयारी भी करेंगे और उनको कमरा भी चाहिए। ऐसे में सामंजस्य बिठाने के लिए, द्वेषता दूर करने के लिए हमने अभियान छेड़ा, हाथ जोड़कर गुलाब का फूल देकर किराया माफी का। लगातार हम लाइव आ रहे हैं उन योद्धाओं के लिए जो डॉक्टर योद्धा का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार जो कोरोना में बेरोजगारों को किराया माफ करने का काम कर रहे हैं एक तरह से वो योद्धा है, ऐसे व्यक्तित्व को मैं सैल्यूट करता हूँ। साथ में जो वीडियो देखने वाले तमाम उन लोगों को जो जिन बेरोजगारों को किराया दे रखा है अपना मकान या कमरा, उनसे निवेदन है आप भी समाज में एक मिसाल पेश करें, कमरा किराया माफ करें। रोहित गौतम जी ने एक अच्छी पहल की है, उन्होंने कहा कि हम आपकी मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, हम किराया माफ करना चाहते हैं। मुझे भी अच्छा लगा कि हम जब लगातार जो लाइव कर रहे हैं, लाइव से कहीं ना कहीं ऐसे रोहित गौतम जी जैसे एक व्यक्तित्व जो समाज के सामने आ रहे हैं और सब इच्छा से बिना किसी दबाव में 70 लोगों का किराया माफ करना, यानी कि 7 लाख रुपए माफ करना एक बड़ी मिसाल है, क्योंकि इस दुनिया में कई लोग, क्योंकि हम लगातार घरों में जा रहे हैं, कई लोग तो 500 रुपए माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। हम निवेदन करते हैं, कहते हैं कि आपके बच्चे हैं, उसके बाद वो थोड़ा बहुत किराया माफ करते हैं, लेकिन 7 लाख रुपए किराया माफ करके बड़ी मिसाल पेश की है। ऐसे व्यक्तित्व को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में ही उन मकान मालिकों से मैं एक बार फिर, क्योंकि पिछला लाइव किया हमें लगातार फायदा हो रहा है, तो नए वो मकान मालिक सामने आ रहे हैं, सभी चाहे किराया माफ करके बेरोजगारों को राहत प्रदान कर रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सोच लीजिए, वो भी आपके ही बच्चे हैं जो घर पर रहे हैं, वो घर पे कोरोना महामारी के कारण ये पहले भी वो आपके पास रह रहे थे, किराया देते थे, वापस जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा, कोचिंग स्टार्ट होगी, वो वापस आपको किराया देंगे, लेकिन मजबूरी है कि इस समय आर्थिक हालात सबके कमजोर है। ऐसे में जो कदम इनके द्वारा उठाया गया वो सराहनीय है, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ उसको इनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सैल्यूट करते हैं। मैं लगातार ऐसे व्यक्तित्व के लिए मेरे जीवन में भी उनका आभारी रहूंगा कि वो आगे आ रहे और एक अच्छी मिसाल पेश करें। रोहित जी आपने किराया माफ किया और आपने ये बात भी बताई है, एक चीज और सामने निकल के आई है, 7 लाख रुपए करीब उनका जोड़ा जाए अभी तक का किराया उनका हो चुका है तमाम 70 लोगों का यूपीजी में, लेकिन ये कह रहे जब तक स्टूडेंट नहीं आएंगे, चाहे वो जुलाई में आए चाहे अगस्त में आएंगे, जब आएंगे उसी दिन से किराया स्टार्ट होगा। बहुत अच्छी पहल है, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपको किराया माफ करके कैसा लग रहा है और आप और मकान मालिक को क्या संदेश देना चाहोगे? किराया माफ करके इतना अच्छा अनुभव हुआ मुझे कि बच्चों के पिताओं के, बच्चों के पेरेंट्स के मेरे पास फोन आए कि साहब हम किराया नहीं दे सकते हैं तो आप हमारे लिए क्या करें, हम या गाड़ी करके भिजवा दें अपना सामान, या किसी तरीके से कोई व्यवस्था करके आप हमारा सामान भिजवा दें, घर के बाहर रख दें। तब मुझे दुख हुआ कि वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो वो कितने लोग होंगे इस तरीके से परेशान। तब हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था कि हम लोग इस बार किसी से भी किराया नहीं लेंगे और जब तक नहीं लेंगे तब तक बच्चा खुद ही आकर यहाँ पर और अपना सामान या तो ले जाए
या फिर वो खुद स्वतः ही रहने लग जाए, तब तक हम लोग उसका किराया नहीं लेंगे, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे 2 महीने हो या 3 महीने हो। रोहित जी आपका मेरे पास कॉल आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने एक बात और निकल के आई है, ये एडवोकेट है, इन्होंने ये कहा कि हम उन गरीब बच्चों के लिए जो कई बार कोर्ट में कई मामले चले जाते हैं वो फीस देने में असमर्थ होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी वो फ्री कोर्ट में वकालत करेंगे, ये इन्होंने भी बात की, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी है, हमारा संगठन सौभाग्यशाली है कि आप जैसे व्यक्तित्व से हम मिल रहे हैं, और जो हमारी जो मुहिम है, हम लगातार हमने मुहिम को नाम दिया था हाथ जोड़कर गुलाब का फूल लेकर बेरोजगारों किराया माफ करें, वो मुहिम लगातार रंग ला रही है, आप जैसे व्यक्तित्व के धनी लोग जुड़ रहे हैं, हम भविष्य में भी आशा करते हैं कि काफी लोग आगे आए और इस अभियान को सफल बनाए। ये अभियान उपेन्द्र यादव का नहीं है, ये अभियान बेरोजगार महासंघ का नहीं, ये अभियान उस गरीब व्यक्तित्व उस गरीब व्यक्ति का है जो अब कर्जा लेकर कोचिंग करने के लिए आए थे, लॉकडाउन में घर चले गए, वो पीजी की हो चाहे कमरा किराए का मामला हो चाहे कोचिंग फीस का मामला, वो अब देने में असमर्थ है। कई माँ बाप ने तो उनको कह दिया कि भूल जाओ पढ़ाई छोड़ दो, हमारे पास न कोचिंग फीस है न जयपुर रहने का कमरा किराए देने की हमारी बस की बात है। ऐसे में कई लोगों के सपने एक तरह से अंधेरे में जा चुके हैं, लेकिन उन साथियों कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, आपके हर दुख में हम साथ रहेंगे, जहां आवश्यकता होगी वहां हर जगह रोहित गौतम जी जैसे व्यक्तित्व आगे आएंगे और सहयोग करेंगे। 35+35 यानी 70 बेरोजगारों का भविष्य उन्होंने अंधकार से उजाले की तरफ अग्रसर करने की कोशिश की है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रोहित जी ने इसके अलावा ये भी बताया है कि वो जो गरीब असमर्थ हैं उनकी वकालत में भी सहयोग करेंगे। दोस्तों इसके अलावा तमाम मेरे पास मुझे पता है कमेंट आ रहे भर्तियों को लेकर, मैंने आप लोगों को बताया था 19 तारीख के बाद मैं शिक्षा मंत्री जी से मिल रहा हूँ, शिक्षा विभाग की चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की नियुक्ति का मामला हो, चाहे एलडीसी भर्ती 2018 की नियुक्ति का मामला हो, चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती 2013 का मामला हो, और सबसे बड़ा मामला रीट शिक्षा भर्ती 2020 की विज्ञप्ति, पैटर्न पद बढ़ाने की मांग, पदों का विवरण और पैटर्न को लेकर, वो 19 तारीख के बाद शिक्षा मंत्री से मिल लिया, मैं खुद मिलूंगा। इसके अलावा कल ट्विटर बार भी 9 बजे से रीट को लेकर शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी भी टाइम 19 तारीख के बाद ही वो भी टाइम देंगे, उनके एसडी साहब से बात हुई थी, जो तमाम इश्यू है जो मुख्यमंत्री जी के लेवल पर होने हैं, कुछ अधिकारियों के लेवल पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए एक इंसान एक संगठन है। अब फिलहाल वर्तमान स्थिति है बेरोजगारों की, जो किरायों को लेकर समस्या चल रही है, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं। इससे पहले ये तो किराया का जो मुहिम हमने अब चलाया, उससे पहले लंबित भर्तियों को लेकर, नई भर्तियों को लेकर, चाहे ऊर्जा विभाग हो चाहे शिक्षा विभाग हो, हम लगातार मांग कर रहे थे। हालांकि आपने देखा होगा कि हमने मार्च में भी लेटर लिखा था, अभी मई में भी लेटर लिखा था कि नई भर्तियां निकाली जाए, 2 भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, अब चाहे ग्राम सेवक हो जूनियर अकाउंटेंट है, अन्य भर्तियों की विज्ञप्ति भी जल्द जारी होगी, हम लगातार नई भर्तियों की मांग कर रहे हैं, लंबित भर्तियां भी पूरी हो, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो। आज ट्वीट करके आरपीएससी के अध्यक्ष मोदी जी को आज खुला चैलेंज दिया है कि यदि आपने एएन भर्ती 2018 का मुख्य परिणाम हो चाहे स्कूल व्याख्या भर्ती 2018 का परिणाम आपने जारी नहीं किया, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी नहीं किया, तो मैं एक बार पुनः चेतावनी दे रहा हूं, यदि लॉकडाउन समाप्त हुआ, कोरोना महामारी समाप्त हुआ और उसके तब उससे पहले आपने सुधार नहीं किया, कैलेंडर जारी नहीं किया, भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी नहीं किया, तो खुला चैलेंज है, हम आपकी गाड़ी को भी रोकेंगे, आपका घेराव भी करेंगे, काला झंडा भी दिखाएंगे, जहां बचना बच लीजिए, क्योंकि हम लोग आपसे दुखी हो चुके हैं, क्योंकि आप रेगुलर भी सुन नहीं रहे, आज वो परेशान है। तो दोस्तों अगली कड़ी में मैं फिर उस कोरोना योद्धा से मिलूंगा, वॉरियर से मिलूंगा, जो बेरोजगारों के लिए तत्पर है किराया माफ करने में, एक मुहिम में शामिल हो रहे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।